केमिकल बॉन्डिंग। यार फिर से मटकी बनी है, अब ये बकवास खाना पड़ेगा। ही हमारा एक काम करना, ये पूरा तू खा ले। हाँ खा लूंगी, पर तुम क्या खाओगे? मैं ये ककड़ी के साथ खा लूंगा। जब मटकी अच्छी ना लगे तो ठंडे ठंडे ककड़ी से रोटी खाना चाहिए। वाह, वैसे तू ये मटकी कैसे खा लेती है? यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग समझ में नहीं आ रही, कम से कम ये मटकी से तो पीछा छूट गए। भैया केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग? हाँ हाँ। जब तू बड़े हो जाएगी ना, हाँ हाँ, तब तेरे को समझ में नहीं आने वाला। क्यों नहीं समझेगी, मैं समझाती हूँ। काम करो मासी, आप ना आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है वो बताओ। आयोनिक बॉन्डिंग जो ये मैंने मटकी की सब्जी बनाई है, तूने अमाया को दे दी अपने सुकून के लिए, और अमाया भी बड़े मजे से खा रही है कोई नखरे किए बगैर। ठीक उसी तरह दो एटम्स में भी इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन होती है। जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो जिसके पास कम है उसे दे देता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। समझ में आया? मासी ये सब आपको कैसे मालूम? मैं भी आईआईबी के एलुमनाई हूँ। काश आईआईबी मटकी बनाना भी सिखा लेता, बस आप उसमें थोड़ी सी कम रहेगी बाकी। लर्निंग इज फन विद आईआईबी। थिंक नीट, थिंक आईआईबी।